हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है एमआई का ईयरफोन बेसिक, जिसकी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और यह है उसका बॉक्स बैग, जो कि पहले से ओपन है। मैंने पहले से इसे ओपन कर दिया था। तो दोस्तों, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है इसकी स्पेसिफिकेशंस, इन ईयर टाइप का ईयरफोन है, वेयर दिया हुआ है, केबल लेंथ, जैक टाइप और रेटेड पावर है। तो ये काफ़ी हल्का 14 ग्राम का है और ये 1.25 मीटर लॉन्ग है। और जो ऑडियो जैक है वो 3.5 mm का है। यह उसका बॉक्स पैक, यहाँ पे लिखा हुआ है MI ईयरफोन बेसिक। दोस्तों, बॉक्स के इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा इस ईयरफोन की प्राइस, जो कि 599 रुपये है, 599। बट यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप Amazon या फिर me.com से लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 399 में, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो अगर आप me.com या फिर Amazon से ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 399 रुपये में पड़ जाएगा। अगर आप सिंगल ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ जाए। तो यह है इसकी प्राइस और यहाँ पे कहाँ मैन ये मैन्युफैक्चर हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। बस यही चीज़ें हैं। बॉक्स में ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लैक कलर का ईयरफोन है और ये है वो ईयरफोन, ब्लैक कलर का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में आपको मिल जाते हैं इस बॉक्स में कुछ ईयरबड्स, और एक्चुअली 4 हैं, एक कहीं पर गुम हो गया। तो यहाँ पे जो ईयरबड्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। ये सबसे लार्ज वाला है, इसका एक और पेयर था, एक और था वो कहीं गुम हो गया। और ये सबसे छोटा वाला है, तो अपने आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे जो इस ईयरफोन में लगा है वो है मीडियम साइज़ का, तो अपने ईयर के हिसाब से आप इनको लगा सकते हो। और अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो सो इसकी जो प्राइस है वो है 399, काफ़ी बजट में आ जाता है। तो अगर आपका बजट है अराउंड 4 से 5 के बीच तो आप ये ईयरफोन ले सकते हैं। अलग इससे भी महंगे ईयरफोन आते हैं MI के ही, बट अगर आपका बजट 400 रुपये का है तो आप ये ईयरफोन ले सकते हैं। ईयरबड्स जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, एलुमिनियम अलॉय के बने हुए हैं और ये 2 कलर में आता है, ब्लैक और रेड कलर का। काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं ईयरबड्स। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ही बढ़िया है इसकी, इस ईयरफोन की। और यह है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक बटन जिससे आप कॉल रिसीव या फिर डिसकनेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा माइक भी आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, जिससे आप कॉल के दौरान काफ़ी अच्छे से बातें कर पाएंगे। और यहाँ पे एक बटन मिल जाती है और यहाँ पे ये दोनों केबल ज्वाइंट होकर जाते हैं, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस सेम ईयरफोन ओवर लास्ट 7 or 8 months। मैंने मई में लिया था पिछले साल, ऑलमोस्ट 7 months हो गए मुझे सेम ईयरफोन यूज़ करते हुए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और केबल के इस साइड देखें तो आप यहाँ पे आपको गोल्ड प्लेटेड ये वाला भाग मिल जाता है, 3.5 mm का यहाँ पे जो ऑडियो जैक है वो दिया हुआ है। केबल का ये जो पार्ट है वो खास तौर से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि यहाँ से ये ब्रेक ना हो, और काफ़ी मज़बूत बनाया गया है। तो एक तरह से काफ़ी बढ़िया है अगर आपका बजट 399 के करीब है और आप एक अच्छा सा ब्रांडेड ईयरफोन लेना चाहते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है अगर प्राइस को कंसीडर किया जाए तो, और साथ में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। केबल की लेंथ भी काफ़ी हद तक सही है और जो बनावट है वो काफ़ी ख़ास तौर से इंडियन मार्केट को देख के बनाई गई है, और इसकी प्राइस भी उस तरह की रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी सी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दी गई है ताकि ये यहाँ से ब्रेक ना हो, और लेंथ भी काफ़ी हद तक सही है। मैं ये ईयरफोन पिछले 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। साथ में जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो आप ये ईयरफोन ले सकते हैं अगर आपका बजट 300 से 400 रुपये के बीच में है तो, एक बढ़िया MI का केबल। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये वाला केबल यूज़ कर रहा हूँ, ये ईयरफोन में यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो ये ब्लैक और रेड कलर में मिल जाता है आप, तो आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जिस भी कलर का चाहिए वो आप ले सकते हैं Amazon.com से या फिर me.com से। तो मैं फ़िलहाल ये रेड कलर वाला यूज़ कर रहा हूँ और पिछले 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
और साउंड भी काफ़ी अच्छा आता है और कॉल के दौरान भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं इस ईयरफोन के साथ गाने, गेम प्ले और बात भी बहुत ही ईजिली और आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी तरह की। साउंड क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये था मी इन ईयरफोन जो कि बेसिक है। इसके अलावा और भी ईयरफोन आपको देखने को मिल जाते हैं MI.com पे। तो अगर आपका बजट 400 तक का है तो आप ये ले सकते हैं, बाकी अगर आपका बजट ज़्यादा है तो इसके अलावा भी और भी ईयरफोन आते हैं अलग अलग कंपनियों का, आप देख सकते हैं। बट अगर आपका बजट 400 के अराउंड है तो आप इन ईयरफोन को ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, कलर भी काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और ये वाला कलर भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं, कहीं से ये केबल ब्रेक नहीं हुई है, तो एक अच्छा केबल है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय एंड टेक केयर।